एनालिसिस ऑफ द सेपु सेंटेंसेस, यानी साधारण वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह क्या होते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, इस विवरण को देते हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले हम यहां देखें कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो अपना पूरा अर्थ देता है, कंप्लीट सेंस। समूह तो कुछ भी हो सकता है, निरर्थक समूह भी हो सकते हैं, लेकिन यहां है शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ देता है उसको कहते हैं वाक्य। जैसे हमने यहां लिखा राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि चार शब्द आए हुए, चार शब्दों का एक समूह है और अर्थ भी, यानी इसका पूरा अर्थ भी है कि राम विद्यालय जाता है, नो क्वेश्चन। इसमें एक और विशेषता है, हम दूसरे शब्द भी ऐसे भी इस बीच को लिख सकते हैं, यह भी चार शब्दों का समूह, लेकिन इसका मतलब तो कुछ नहीं, बिल्कुल यह निरर्थक समूह है जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, और इस निरर्थक से हमको कुछ लेना देना नहीं, हमको सार्थक चाहिए, शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ दे। दूसरी बात, अर्थ तो यह भी है, हमने लिखा ए लिटिल बॉय सीटिंग कार्नर, यह कुछ शब्दों का समूह है, कोने में बैठा हुआ एक छोटा लड़का, अर्थ पूरा। कंप्लीट सेंस इसमें यह इसलिए नहीं है, भाव तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए इसको आप सेंटेंस नहीं कहेंगे। या दूसरी तरफ से थोड़ी सी बात इसमें और जोड़ लीजिए, शब्दों का वह समूह जो पूरा भाव देता है और जिसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट सकें, सेपरेट कर सकें, वह कहलाएगा सेंटेंस यानी वाक्य। मतलब सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस एंड वी कैन सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तब उसको हम वाक्य कहेंगे। यहां भाव तो है लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, लेकिन इसमें हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं छाट सकते, हम इसका प्रयोग चाहे सब्जेक्ट के रूप में करें चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आइए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और उसके बाद जो आता है वह कहलाता है प्रेडिकेट। जब हमें वाक्य निर्माण करना होता है तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, जैसे यहां लिखा सीता, जो व्यक्ति या वस्तु का हम नाम लेते हैं वही सब्जेक्ट होता है, यानी जिसके विषय में कोई बात कहनी है, जो हमें डिनोट करना है वह कहलाता है सब्जेक्ट, और जो बात उसके विषय में कही जाती है वह कहलाता है प्रेडिकेट। जैसे ये दो शब्दों का समूह है सीता सेल्स, इसमें सीता हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, यानी हमने पहले एक नाम लिखा सीता लिखा और उसके विषय में कहा कि गाती है, यह दो शब्दों का समूह मिल करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। यानी जब किसी भी वाक्य के अंतर्गत हम सब्जेक्ट या प्रेडिकेट छांटना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट आपका एक शब्द का भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका कई शब्दों का भी हो सकता है।
जैसे मान लीजिए हमने यहां लिखा ए बॉय इज गोइंग ए लिटिल बॉय इज गोइंग ए लिटिल बॉय इन व्हाइट ड्रेस इज गोइंग। अब इन वाक्यों को जरा देखिए, पहले लिखा गया राम गोइंग टू स्कूल, दूसरे में ए बॉय इज गोइंग, तीसरे में लिटिल बॉय इज गोइंग, चौथे में ए लिटिल बॉय इन व्हाइट ड्रेस इज गोइंग। अब यह कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले नंबर पर आप मुख्य क्रिया यानी फाइनाइट वर्ब में हु लगा करके प्रश्न कीजिए, यानी कौन या किसने। जो उत्तर में मिलेगा वही होगा आपका सब्जेक्ट उत्तर। जैसे पहले वाक्य में आपने प्रश्न किया, वाक्य है राम विद्यालय जाता है, तो कौन विद्यालय जाता है, कौन के उत्तर में मिला राम, राम सब्जेक्ट। अब यहां ए बॉय इज गोइंग, एक लड़का जा रहा है। अब इसमें कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, इंग्लिश में करेंगे तो हु इज गोइंग, हिंदी में करेंगे तो कौन जा रहा है, ए बॉय। यानी इस वाक्य में ए बॉय सब्जेक्ट है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। तीसरे में जब आएंगे तो कौन जा रहा है, ए लिटिल बॉय, इसमें तीन शब्दों का। और चौथे में जब आप जाएंगे कि कौन जा रहा है, तो ए लिटिल बॉय इन व्हाइट ड्रेस, यहां से लेकर यहां तक यह सब्जेक्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, सब्जेक्ट कई शब्दों का संयोग भी होता है। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप मुख्य क्रिया में कौन किसने लगाकर प्रश्न कीजिए, हु लगाकर प्रश्न कीजिए, आपके उत्तर में जो शब्द समूह या शब्द मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। दूसरा तरीका होता है व्हाट लगा के प्रश्न कीजिए, क्या उत्तर में मिलेगा वह भी सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने एक वाक्य लिख दिया द ट्री इज हाई, पेड़ ऊंचा है, तो आप यहां प्रश्न करेंगे क्या ऊंचा है, उत्तर मिला ट्री, दी ट्री। मतलब यह है कि सजीव चीजों का कर्ता पता लगाने के लिए आप हु यानी कौन या किसने से प्रश्न करेंगे, और निर्जीव चीजों के लिए व्हाट से क्या से प्रश्न करेंगे। जैसे पेड़ ऊंचा है तो क्या ऊंचा है पेड़, घर बड़ा है तो क्या बड़ा है घर, यानी आप कौन किसने और क्या लगाकर क्रिया में प्रश्न कीजिए, जो शब्द या शब्दों का समूह मिलेगा वह कहलाता है सब्जेक्ट। और जब आप सब्जेक्ट छांट लेंगे तो जो बचेगा उसके विषय में जो बात कहेंगे आप वह प्रेडिकेट हो गया। जैसे राम हो गया सब्जेक्ट, तो गोज टू स्कूल हो गया प्रेडिकेट, इसमें हो गया ए बॉय हो गया सब्जेक्ट, इज गोइंग हो गया प्रेडिकेट, ए लिटिल बॉय हो गया सब्जेक्ट, इज गोइंग हो गया प्रेडिकेट, और इसमें ए लिटिल बॉय इन द व्हाइट ड्रेस सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग हो गया प्रेडिकेट। ठीक, तो यानी सब्जेक्ट छांटिए तो क्रिया में कौन किसने क्या लगाकर प्रश्न कर लीजिए, जो उत्तर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, और बाकी जो शेष शब्द बचेंगे उसके बाद वाले उसको कहते हैं प्रेडिकेट। यानी कि अब सब्जेक्ट में, हिंदी में सब्जेक्ट को आप कहते हैं उद्देश्य, उद्देश्य, और प्रेडिकेट कहलाता है विधेय, विधेय। इसी उद्देश्य का मतलब समझिए कर्ता। अब आप इस टॉपिक्स पर आइए
पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कितने भाग हो सकते हैं। अब इसमें आप देखिए, इसी में देख लीजिए, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर भी एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द यानी विशेषण होता है, और हेड वर्ड मुख्य शब्द यानी वह शब्द जिसके बगैर किसी नाउन का निर्माण हो ही नहीं सकता, यानी उसी को मुख्य शब्द कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का वह समूह जो विशेषता बताने का काम करता है। एक तरह से आप यह जो देख रहे हैं डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, यह दोनों को मिलाकर आप क्वालिफायर भी कह सकते हैं, और जब कोई एक होता है तो क्वालिफायर का मतलब विशेषता बताने वाला शब्द। अब जैसे होता क्या है, इस वाक्य के अंतर्गत राम अकेला शब्द है, हेडवर्ड हो गया, मुख्य शब्द हो गया। ए बुआ इसमें देख रहे हैं तो ए बुआ में बुआ है हेडवर्ड यानी नाउन है, और ए है क्वालिफायर विशेषता बताने वाला शब्द। इसमें आएंगे तो ए लिटिल बॉय, ये लिटिल बॉय में बॉय हो गया हेडवर्ड, लिटिल हो गया एडजेक्टिव, ए हो गया डिटरमाइनर, यानी इसमें एक डिटरमाइनर आया है, एक एडजेक्टिव आया है, और तब हेडवर्ड आया है। यहां आएंगे तो ए लिटिल बॉय इन द वाइट ड्रेस, इन वाइट ड्रेस, ए हो गया डिटरमाइनर, लिटिल हो गया एडजेक्टिव, बॉय हो गया हेडवर्ड, इन वाइट ड्रेस जो हुआ ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। डिटरमाइनर ये विशेषता बताना इसमें आता है, इन ए एंड दी दिस दैट माई इत्यादि सब डिटरमाइनर है, 1 2 3 4 जो भी है ये सब डिटरमाइनर कहलाते हैं। एडजेक्टिव आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, और हेडवर्ड मुख्य शब्द होता है। एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसमें देखना यह है कि इनकी पोजीशन क्या होती है, किस प्रकार से आप अगर सब्जेक्ट कई शब्दों से मिलकर बना हुआ तो उसको किस क्रम में रखते हैं आप, उनके रखने की का तरीका क्या होता है यह जानना है, उसी को बोलते हैं एक्सपांशन एंड डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। देखिए सबसे तरीका यह है, हमारे सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट में सबसे पहले डिटरमाइनर आता है, उसके बाद एडजेक्टिव, जस्ट उसके बाद हेडवर्ड, उसको समझ लिया नाउन, और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज। इसको समझ लिया डिटरमाइनर का तो संकेतक, एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द, हेडवर्ड मुख्य शब्द जिसके बगैर काम न चले। जैसे मान लीजिए हमको एक बना रहे हैं, हमने यहां लिखा बुआ लड़का, अब इसकी विशेषता बताने के लिए हमने लिखा ए बुआ है एक लड़का, अब ये ए या क्वालिफायर है, लिमिट कर रहा है कि एक ही लड़का, हमने उसमें और जोड़ दिया ए लिटिल बुआ। अब ये दोनों अलग अलग इसकी विशेषता बता रहा है, इसको कहेंगे आप डिटरमाइनर, और यह कहलाएगा एडजेक्टिव, यह होगा हेडवर्ड। इसका मतलब होगा कि एडजेक्टिव जो है वह डिटरमाइनर और हेडवर्ड के बीच में आएगा। अब थोड़ा और इसको विस्तार किया, एक्सपांस किया, तो हमने लिख दिया सीटिंग बैठा हुआ इन द कार्नर,
कोने में बैठा हुआ, ए लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ एक लड़का, हिंदी में लिख दिया कोने में बैठा हुआ एक लड़का। ठीक, अब यह एक नाउन फ्रेज हो गया, चाहे इसका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कीजिए चाहे ऑब्जेक्ट। अब यहां आया है मुख्य, मुख्य शब्द होता क्या, मुख्य शब्द का मतलब जिसके बगैर काम न चले। मान लीजिए ये शब्दों के समूह में से हमने बॉय हटा दिया, नहीं लड़का हटा दिया, तो बचा क्या, कोने में बैठा हुआ एक, क्या एक, ये तो अर्थ नहीं बन रहा है, कोने में बैठा हुआ एक। और यहां ए लिटिल सिटिंग इन द कॉर्नर, एक छोटा कोने में बैठा हुआ, लेकिन सबको हटा देंगे आप, केवल बॉय रह जाए तभी आपका अर्थ हो जाए बॉय बन तो लड़का। इसलिए यानी वो शब्द जिसके बगैर काम न चले वो मुख्य शब्द होता है। उस मुख्य शब्द की अगर एक शब्द विशेषता बता रहा तो उसके आगे रखते हैं, उसको नाम पड़ता है एडजेक्टिव। अगर कई एडजेक्टिव आए हैं तो सब उसके आगे, लेकिन बारी बारी, लेकिन एक से अधिक शब्द अगर विशेषता बताने के लिए आएगा तो उसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अब जैसे यहां समझ लीजिए, हमने देख लिया ए गोल्डन रिंग, सोने की अंगूठी, इसमें रिंग की विशेषता गोल्डन बताना, इसको कहेंगे एडजेक्टिव, यह है डेटर माइनर। हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना हो तो ऐसे लिख देंगे ए रिंग, एक अंगूठी मेड ऑफ गोल्ड, बात वही है सोने की बनी हुई अंगूठी। अब यह एक शब्द था गोल्डन, तो रिंग के आगे हमने पोजीशन दिया और कई शब्दों का समूह हो गया मेड ऑफ गोल्ड, तो रिंग के पीछे चला गया, यानी एडजेक्टिव हर समय नाउन के आगे रहेगा और एडजेक्टिव फ्रेज उसके पीछे रहेगा। अब अगले वीडियो में इसको विस्तार से समझाया जाएगा कि आप किसी वाक्य में आप कई पार्ट्स, अगर पार्ट्स दिए गए हैं उसमें सभी आया है, डिटर माइनर आया, एडजेक्टिव आया, एडवर्ड आया है, तो आप छांटेंगे कैसे सब्जेक्ट, कैसे पता करेंगे। दूसरी बात यह होगी कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन हो सकता है, प्रोनाउंस हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है, जैसे पुअर के आगे दी लगा दिए, दी पुअर आर मेजरेबल, अब जस्ट लाइक इसे इट हो सकता है, देयर हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, जेरंड हो सकता है और इन्फिनिटिव हो सकती है।